फ्रेंड्स, मैंने आज किटी के लिए डोमिनोज से जो है अभी पिज़्ज़ा मंगवाया था, तो वहीं से मैंने ये जो है चोकोलावा केक मंगवा दिया है। और वैसे भी किटी ना क्रीम वगैरह जो है चीज़ पसंद ही नहीं करते हैं, क्रीम वगैरह ना पेस्ट्री वगैरह खाना किटी गर्मी में लगता है और खाना भी जाना होता है। तो ये मंगा दिया है तो 12 बजने वाले, चलो जल्दी से ओपन करके किटी के पास ये चलते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर किट्टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और मैंने देखो क्या मंगाया, कौन सा केक, चोकोलावा केक मंगवाया। वैसे भी तुम वो तो खाते नहीं हो, तो मैंने अलग से पेस्ट्री मंगवाई नहीं। और एक एक ही इसको वो करना, और एक विश मी हैप्पी बर्थडे। और हाँ, आज है हमारा जन्मदिन, किटी को विश कर देना। आप इतनी सारी यहाँ पर टैबलेट देख रहे हो पतंजलि की, किटी का गला खराब है आपको पता ही है। दोनों जला दो। और आपको पता ही है कि दिल्ली में पॉल्यूशन कितना हो रहा है, तो उसकी वजह से सभी के गले खराब है। और एक ही आपको जो है वो करना है, और पहले विश 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 एक विश, भगवान जी ये जो भी मांग रहे हैं इनकी विश पूरी करना, किसी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, अपना आशीर्वाद देना। और हमारे कानू सो रहे हैं, सोने दो, चलो सुबह सुबह दे देना, चल शुरू करो। एक 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 ही वो करना। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Kittu, happy birthday to you, may God bless you, may God bless you, may God bless you. भारी चीज मंगा दी भाई। Happy birthday to you, नहीं तुम खा, ऐसा है। वैसे भी तुम क्रीम नहीं खाते हो ना, है ना, यही ठीक है ना। एक्चुअली पिज़्ज़ा खाना था रियांश को, रियांश मेरा नेफ्यू है। फ्रंट कैमरा कर लो। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। और चलो बर्थडे बॉय को एक बार फिर से विश कर दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, happy birthday dear Kittu, happy birthday to me। तो बर्थडे का जो दिन है वो स्टार्ट हो गया है, और भी हम जा रहे हैं सबसे पहले ब्लेसिंग्स लेने बाबा की हनुमान मंदिर। तो चलो आपको लेकर चलते हैं हनुमान मंदिर। आज हमने पार्किंग में ना इधर लगा दिया है ना। चलो अब जल्दी से दर्शन कर ले हनुमान मंदिर का। ये पीछे बैक साइड का एरिया है और आज से काफी खाली लग रहा है ना। हनुमान मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको हमारे जन्मदिन। और खाने का मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन जाएंगे हम लोग लंच करेंगे, तो इसलिए कचौड़ी नहीं खाएंगे आज। ले लिया कौन सा, बूंदी ले ले बस। हाँ बस देख ले जो लेना है, यही ले ले फिर, यही चढ़ा देंगे। मोनू, बीस बारा गुटका दियो। Thank you.
वहाँ तक ले जा पाएंगे? आ गए दे दो हाथ में, दे दो, पेट भरा हुआ है वहां बैठे इतने सारे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि लंच में हमें फैमिली मेंबर्स ने भी ज्वाइन किया है, क्योंकि ये जो बर्थडे लंच था ना, वो सिर्फ किटी का नहीं था, ये करण का भी था, पीयूष का भी था और करण के ब्रदर जिमी का भी था, क्योंकि इन तीनों के ही बर्थडे अभी गए थे जस्ट। तू जाती है चलानी पीयूष? किटी को साइकिलिंग का बड़ा ही शौक रहा है बचपन से, इनफैक्ट उन्होंने इतनी साइकिल चलाई है ना, उसकी वजह से इनकी हाइट भी बहुत अच्छी निकली है ना वैसे। और मुझे तो साइकिलिंग, यू नो, मेरा तो ड्रीम रहा है, लेकिन डैडी ने चलाने ही नहीं दी कभी, उनको लगता था कि चोट लग जाएगी। कभी बना तो ज़रूर मैं जो है साइकिल को परचेज करने वाली हूँ इन फ्यूचर। तो बस वही हम लोग देख रहे थे डीकैथलॉन में, और बहुत टाइम स्पेंड करते हैं हम यहाँ, बहुत अच्छा लगता है छोटा छोटा स्टफ़ खरीदना, और काफ़ी सारे आइटम्स ले भी आती हूँ मैं यहाँ से, मुझे बहुत ही पसंद है डीकैथलॉन में शॉपिंग करना। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो लोग तो जानते ही हैं कि मुझे दिल्ली का जो है प्रोमिनेड मॉल कितना पसंद है, मुझे सिर्फ यहीं अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। तो जब भी मन करता है कि मॉल घूमना है, शॉपिंग करनी है या फिर अच्छा सा लंच करना है, तो मैं यहीं आना ही प्रेफर करती हूँ बजाय किसी और मॉल में जाने के। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा सा व्यू आ रहा, तो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया। और आते हुए मैं मम्मी के घर गई थी, क्योंकि दिवाली से पहले का ये व्लॉग है, तो घर में लाइट वगैरह लगाए थे पीयूष ने, तो मम्मी मुझे यही लाइटें वगैरह जला करके दिखा रही थी कि तू देख लाइटें वगैरह लगाई हैं तेरे भाई ने, देख कैसा लग रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा था, और मैंने थोड़ा सा शूट भी कर लिया आप लोगों के लिए। और बैल्कनी की तो मैं सबसे ज़्यादा, मुझे बैल्कनी पसंद आई, बैल्कनी में बहुत अच्छी लाइटनिंग लग रही थी। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि अपना फेवरेट फेस्टिवल बताओ, तो मैं कहूँगी दिवाली। सिर्फ दिवाली ही एक ऐसा फेस्टिवल है जिसका मुझे साल भर इंतज़ार रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है दिवाली पे मुझे। और लाइट्स लगाना, दिए जलाना, घर को सजाना, घर की सफाइयाँ करना भी मुझे अच्छा लगता है दिवाली पे। और थोड़ा सा शोर आपको आ रहा होगा बैकग्राउंड से, तो सॉरी, माफ़ करना, क्योंकि आज मैं जो है शाम के टाइम जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं रात में करती हूँ तो तब इतना शोर वगैरह नहीं आता है बेसिकली। अभी मुझे कमेंट करके बताना आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है।